अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या बिहार में होने वाला है सत्ता परिवर्तन? क्या जीतन राम मांझी का मनवा डोल रहा है? तेजस्वी यादव को लेकर मांझी का बड़ा बयान। जीतन राम मांझी के बयान से सियासी हलचल तेज। सियासी जानकार बोले, खतरे में नीतीश सरकार। क्या मांझी वाकई बना रहे हैं कोई मास्टर प्लान? हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के बाद बिहार की सियासत लगातार सुर्खियों में है। लालू यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार बन गए, लेकिन अब जो स्थितियां दिख रही हैं, वो खतरे की घंटी नीतीश कुमार के सामने बजा रही हैं। दरअसल खतरे के संकेत तब मिले जब हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, जिसके जवाब में मांझी ने तेजस्वी यादव को पुत्र समान नेता बता दिया। आपको ये भी बता दें कि मांझी फिलहाल एनडीए का हिस्सा हैं, जो पहले महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। मांझी ने तेजस्वी यादव को पुत्र समान नेता बताया और मांझी का यही बयान अब नई नवेली बनी नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा गया। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत से कुछ एक सीट ही आगे है। ऐसे में अगर मांझी जैसे नेताओं ने पाला बदला तो फिर सरकार के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि आखिर मांझी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे मांझी का मकसद अपने कद को थोड़ा मजबूत करना है। सियासी गलियारों की चर्चाओं के अनुसार मांझी संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं, जो बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति के तहत है। दरअसल इसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन करने की बात भी कही थी। फिर पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने की बात भी जीतन राम मांझी ने कही थी और अपनी महत्वाकांक्षा को जाहिर किया था। इसके पहले बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने नीतीश की तारीफ कर नए सियासी समीकरण के संकेत दिए थे। इसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने महागठबंधन छोड़कर जेडीयू में शामिल होने का फैसला किया था। गौरतलब है कि हम नेता जीतन राम मांझी अब तक 3 बार पाला बदल चुके हैं। जेडीयू से एनडीए और फिर महागठबंधन में गए, फिर एक बार एनडीए में शामिल हो गए। अगर मांझी पाला बदलते हैं तो फिर सीटों का समीकरण बहुत बदल जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा में दलीय स्थिति पर नजर डालें तो एनडीए के खाते में 125 सीटें हैं, वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। इनके अलावा अन्य में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की 5, एक BSP की, एक लोजपा और एक निर्दलीय विधायक है। इनमें से LJP यानी लोजपा, BSP और निर्दलीय के विधायकों का समर्थन मोटे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ है। बिहार के सियासी गणित को देखें तो एनडीए में मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के 4-4 विधायक हैं। ऐसे में अगर इन दोनों दलों का मन किसी कारण से डोल गया तो एनडीए की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। वोटिंग की स्थिति में ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ हो सकती है। वहीं सरकार पर खतरे की स्थिति बनी तो BSP, LJP और निर्दलीय के बारे में भी कुछ ऐसा ही अंदेशा है कि वे भी सरकार बनाने वाले पक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे में मांझी के इस बयान के काफी मायने हैं। मांझी के बयान के अब मायने निकाले जाने लगे हैं और कई लोग तो नीतीश कुमार की सरकार गिरा भी चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो भी अपनी सरकार गिरने से पहले उसके बनने का इंतजाम कर ही लेंगे। लेकिन मांझी के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त हर किसी के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।